हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑप्टिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, देर न करके वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज व्हिच नेम। तो लाइट का जो बिहेवियर होता है उसको साइंटिफिक स्टडी में क्या नाम दिया गया है, उसका क्या नाम दिया गया, ऑप्टिक्स नाम दिया गया है। जो लाइट का बिहेवियर होता है इधर से उधर, तो उसका नाम देगा ऑप्टिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट का स्पीड क्या है वैक्यूम में, वैक्यूम में मतलब खाली शून्य स्थान में लाइट का स्पीड क्या है, मतलब महाकाश में लाइट का स्पीड क्या है। 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड है लाइट का स्पीड वैक्यूम में। ठीक है इस पे, ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइट का स्पीड क्या है वैक्यूम में, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय लाइट टू रीच अर्थ फ्रॉम सन। तो अर्थ से सन जाने तक, सन से अर्थ आने तक लाइट को कितने टाइम लगता है। तो लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सनलाइट अर्थ को आने में लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, सनलाइट अर्थ को आने में टाइम लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट है, जो लाइट दिख जाते हैं, तो विजिबल लेंथ वेवलेंथ क्या होता है विजिबल लाइट का, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। ठीक है फ्रेंड्स, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम, ये है वेवलेंथ विजिबल लाइट का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो वाटर में, पानी में लाइट का स्पीड क्या होता है। तो पानी में लाइट का स्पीड होता है 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड। तो पानी में लाइट का स्पीड क्या होता है, 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, 2.25×10^8 मीटर पर सेकेंड। और वैक्यूम में क्या होता है, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, व्हिच फिनोमेनन प्रूव्स दैट इज ए ट्रांसवर्स, लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। ऐसी कौन से फिनोमेनन है जो प्रूफ देता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स मतलब लाइट सीधा नहीं आता, लाइट तिरछा आता है। तो किस फिनोमेनन ने बताता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट ने बताता है लाइट इज ए ट्रांसवर्स इन नेचर। ठीक है फ्रेंड्स, नेम द फिनोमेनन बाय व्हिच कलर ऑफ स्काई अपीयर एज ब्लू। तो ऐसी कौन से फिनोमेनन है जो बताता है जो स्काई है ब्लू है, तो वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट फिनोमेनन जो है वो बताते हैं स्काई ब्लू है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन व्हिच कलर। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है वो मैक्सिमम किस कलर में होता है, वो होता है वायलेट कलर में। हमारा जो विभजियर में सबसे फास्ट होता है वायलेट। तो वायलेट में स्कैटरिंग कलर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मिनिमम इन व्हिच कलर। स्कैटरिंग ऑफ लाइट मिनिमम कहाँ पर होता है, मिनिमम किस कलर पर होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मिनिमम किस कलर, तो वो होता है सबसे कम किस कलर पर होता है, रेड, जो आखिरी कलर है व्यूजियर में आखिरी कलर है रेड। तो रेड में सबसे कम स्कैटरिंग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइट का बाय व्हिच फिनोमेनन सन लुक रेडिश ड्यूरिंग सनराइज सन रेड। तो ऐसे कौन से फिनोमेनन है जिनमें सन को रेडिश दिखाता है सनराइज और सनसेट के बाद। तो ऐसे कौन से फिनोमेनन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उससे द्वारा पता चलता है सन रेडिश होता है सनराइज और सनसेट के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, एनी मटेरियल व्हिच अलाउ मोस्ट द इंसिडेंट ऑफ लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड।
तो जो कौन से मटेरियल जो मटेरियल लाइट को पूरे पूरी चला जाता है, लाइट उसको भेद करके लाइट पूरा पूरी चला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वो है ट्रांसपेरेंट। जो सच है उसके ऊपर लाइट ऑलमोस्ट चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एनी मटेरियल हुई चलाओ, सम ऑफ द इंसिडेंट लाइट पास थ्रू देम आर कॉल्ड। तो ऐसी कौन सी मटेरियल है जो लाइट को आधा 50% 40% चला जाता है, पूरा पूरा नहीं जाता, 50% 40% जाता है, उसको कहता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट का है क्या, किसको कहा जाता है? जो आधा आता है लाइट, ठीक है फ्रेंड्स, मटेरियल में, उसको कहा जाता है ट्रांसलूसेंट। और एनी मटेरियल व्हिच डू नॉट अलाउ इंसिडेंट लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड एज व्हिच नेम, तो वो है ओपेक। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मटेरियल में लाइट जाता नहीं है, लाइट फिर से वापस आ जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं ओपेक। ठीक है फ्रेंड्स, ट्विंकलिंग स्टार्स इज बेस्ड ऑन व्हिच फिनोमेनन। तो जो स्टार का जो ट्विंकलिंग होता है, जो झिकमिक करते हैं, ट्विंगलिंग करते हैं, तो किस फिनोमेन के द्वारा? वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, स्विमिंग पूल अपीयर्स लेस डीप देन इट एक्चुअल डेप्थ ड्यू टू व्हिच फिनोमेन। तो जो स्विमिंग पूल होता है उसमें जो डीप होता है, जो गंभीर होता है, उनमें से कम ज़्यादा थोड़ा कम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी एक्चुअल डेप्थ थोड़ा सा कम लगता है क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, स्विमिंग पूल में कॉइन इन बाकेट अपियर लेस देन डीपर ड्यू टू व्हिच फिनोमेनन। एक बाकेट में कॉइन क्या है पानी के द्वारा, तो वो कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिख जाता है क्योंकि वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, स्टार इन स्काई सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर ड्यू टू व्हिच फिनोमेनन। जो स्टार हम देखते हैं वो उनके एक्चुअल एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर दिखता है क्योंकि वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर इन कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो हमारा जो इंटरनेट होता है, इंटरनल लाइन आता है, तो इंटरनल लाइन में जो जो केबल आता है ऑप्टिकल फाइबर, वो किस प्रिंसिपल के द्वारा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा जियो फाइबर है और ऐसी और है, तो वो कम्युनिकेशन किस तरह आता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, एंडोस्कोपी इज मेडिकल साइंस इज वर्क ऑन व्हिच प्रिंसिपल। तो जो एंडोस्कोपी होता है मेडिकल साइंस में, वो किस प्रिंसिपल के द्वारा होता है? वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा एंडोस्कोपी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस अपीयर्स टू बी कलर्ड ड्यू टू व्हिच प्रिंसिपल। तो जो केरोसिन तेल में जो थोड़ा सा वाटर घुस गया, तो सारे केरोसिन को कलर कलरफुल होता है एक, तो वो किस लिए होता है? वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरोसिन ऑयल स्प्रेड ऑन वाटर सरफेस अपीयर्स टू बी कलर ड्यू टू व्हिच प्रिंसिपल? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ग्लिटरिंग ऑफ सोप बबल्स इज ड्यू टू व्हिच फिनोमेनन। हम बचपन में करते हैं, सोप बबल को फूंक देते हैं और वो ग्लिटरिंग करते हैं, तो वो किस लिए होता है? वो होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के लिए। तो ग्लिटरिंग ऑफ सब बबल्स इज ड्यू टू व्हिच फिनोमेनन? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। नेम द सेवन कलर फ्रॉम द प्रिज्म ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो एक प्रिज्म में डिस्पर्शन ऑफ लाइट के द्वारा कितने कलर आते हैं? तो एक कलर आता है, सेवन कलर निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो कलर क्या है? व्यूजियर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है फ्रेंड्स, इस सेवन कलर निकलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाइल्ड लाइट इनटू द सेवन कलर
इज कॉल्ड एज व्हिच नेम? तो जो बोला बोला है व्हाइट लाइट, एक व्हाइट लाइट आता है और सेवन कलर में जाता है, तो उसको क्या कहा था? उसको कहा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और वो सेवन कलर का नाम क्या है? विबजियर। तो एक व्हाइट लाइट के द्वारा जो प्रिज्म में सात कलर निकलते हैं तो वो होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हिच कलर ऑफ लाइट डिविएट्स मिनिमम? तो डिस्पर्शन लाइट के दौरान लाइट के किस कलर सबसे ज्यादा, सबसे कम, मिनिमम, सबसे कम डेविएट्स करते हैं? तो वो है रेड। तो ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हिच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मिनिमम? वो है रेड। और ड्यूरिंग डिस्पर्शन ऑफ लाइट व्हिच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स मैक्सिमम? सबसे ज्यादा कौन सी लाइट का कलर होता है डेविएट्स? तो वो है वायलेट, जो पहला कलर है व्यूजर का। व्यूजर का पहला कलर जो है वो ज्यादा डेविएट होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के दौरान, और डिस्पर्शन ऑफ लाइट के दौरान जो सबसे कम डेविएट होता है वो है रेड। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज हम ऑप्टिक्स के 25 क्वेश्चन किए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।